हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज है 30th of March सैटरडे, और आज मैं जा रहा हूँ मेरा जो वैगन आर है उसका थर्ड सर्विसिंग करवाने। किलोमीटर हो चुका है, आप यहाँ पे देख पाएंगे 8,364 किलोमीटर। थर्ड सर्विसिंग जब तब होता है जब आपका गाड़ी का 1 ईयर हो जाए या आपका 10,000 किलोमीटर क्रॉस कर जाए। तो 10,000 किलोमीटर तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक साल लगभग होने को है, इसलिए मैंने सोचा आज करवा लूँ सर्विसिंग को। सर्विसिंग ज़्यादा पहले करने से ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर पे और वहाँ पे मिलते हैं। हम शोरूम पहुँचने वाले हैं, अब देखेंगे। पहले हमें एक महिंद्रा का शोरूम मिलता है मेरे लेफ्ट साइड में, और उसके बाद ही है मारुति सुजुकी का शोरूम, और उसके साथ ही है सर्विस सेंटर। अभी तक बंद है, खुला नहीं है सब कुछ। चलिए अभी कार को अंदर लेके चलते हैं। सर्विस सेंटर के जो ऑफिशियल्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, टाइम हो चुका है लगभग 11। तो व्यूअर्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मैंने सुबह ये ओनर मैनुअल जो है वो निकाल के देखा। यहाँ पर थोड़ा सीट को पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, तो आपका जब आप सर्विसिंग करवाएंगे या इंस्पेक्शन करवाएंगे, किस चीज़ का कब करवाना है उसका पूरा डिटेल ना आप अगर इस जो ओनर मैनुअल है उसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक मेंटेनेंस में जैसे सी फॉर क्लीन, आर फॉर रिप्लेस और चेंज, आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्ट क्लीन एडजस्ट लुब्रिकेट, एल स्टैंड फॉर लुब्रिकेट, टी टाइटनिंग टू स्पेसिफाइड टॉर्क और रोटरी, ठीक है। तो इस जो पेज में यहाँ पे ना आपका वो पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे वाटर पंप उसमें क्या क्या करवाना है, ठीक है, कितने किलोमीटर पर क्या करवाना है। वो ओनर मैनुअल जो है हर गाड़ी के साथ ये ओनर मैनुअल मिलता है, आप उसमें ना जगह चेक करेंगे तो मतलब कोई आपको कुछ जासे भी नहीं ला सकता है, कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी आपसे नहीं शेयर कर पाएगा। अगर ओनर मैनुअल है उसमें अगर आप थोड़ा देखेंगे टाइम निकाल के, तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो मतलब आप अगर पता रहेगा आपको, तो जब आप सर्विसिंग पे जाएंगे ना तब आपको हेल्प होगा। तो सर्विस सेंटर में घुसने के बाद पहले ही मेरा जो कार है उसको लिफ्ट किया गया। वहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, उसमें कुछ इस तरह का हैंड के जैसा मैकेनिज्म है उसके मदद से, और ये जो मैकेनिज्म है वो गाड़ी के जो लोअर पार्ट है जहाँ से व्हील कनेक्ट रहता है वहाँ से कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके मदद से उसको पुल किया जाता है ऊपर, ठीक है। पुल करने के बाद आपका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन किया जाता है। इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद मतलब टाइम तो थोड़ा लगता है, इंजन ऑयल धीरे धीरे पूरा ड्रेन होने के बाद जो इंजन ऑयल का जो फिल्टर रहता है उसको भी निकालते हैं, उसको भी क्लीन मतलब उसको क्लीन नहीं करते, उसको पूरा चेंज ही कर देते हैं। तो गाड़ी का जो लोअर पार्ट रहता है वो वैसे हम तो नहीं देख पाते हैं, तो अभी जैसे ये पुल किया गया है ऊपर तो हम देख पाते हैं गाड़ी का जो हम ऊपर कितने भी अच्छे से मेंटेन करें, लेकिन लोअर पार्ट जो है ना वो देखने के बाद लगता है गाड़ी तो बहुत पुराना है। तो अभी धीरे धीरे गाड़ी को नीचे किया जा रहा है, और नीचे होने के बाद मतलब गाड़ी जब ग्राउंड पे आ जाएगा उसके बाद जो ऑयल फिल्टर है नया वाला उसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे अभी एयर के मदद से गाड़ी के इंजन का जो पार्ट है वहाँ पे जितने भी डस्ट रहता है उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद गाड़ी का जो व्हील है उसको निकालने के बाद गाड़ी का जो ब्रेक है, ब्रेक्स पैड है, उनको निकाल के फिर घिस के उसको फिर से फिट कर रहे हैं। अगर उसमें जो पैड का जो भी सरफेस एरिया है वो अगर कम रहता है तो वो नया लगाते हैं, लेकिन इतना 10,000 किलोमीटर के अंदर ये चीज़ चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है यूजुअली। अभी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल जो है वो पोर किया जा रहा है, और इंजन ऑयल जो है वो HP का है, 3.5 लीटर का। ये सब चीज़ चेंज देखने के बाद उन्होंने गाड़ी का जो अलाइनमेंट है वो भी चेक किया, और उसके बाद कूलेंट जो है, ब्रेक ऑयल जो है, सब कुछ उन्होंने अच्छे से चेक किया, और फिर जो AC का जो कंप्रेशर है ठीक है या नहीं, AC का फ्लो कैसा है वो भी चेक किया। तो सर्विसिंग हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं जैसे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो अभी यहाँ से गाड़ी निकाल लूँ फिर आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे सर्विस कॉस्ट मुझे कितना आया और उसमें क्या क्या
चीज़ें चेंजेस हुआ, जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ चेंजेस में हुआ है जो है वो इंजन ऑयल और उसका ही कॉस्ट आया है। तो जैसे व्यूअर्स मैंने बताया, सर्विसिंग जो है वो अभी हो चुका है, थर्ड सर्विसिंग, और थर्ड सर्विसिंग जो वो हुआ है 8,366 किलोमीटर में, और उसमें मुझे जो कॉस्ट लगा वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बिल पे देख पाएंगे, यहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो 1,931 रुपीस, और जो है मोबिल फिल्टर वो ही लगा, और उन्होंने उसका कॉस्ट आया है 2,025 रुपीस। ठीक है, 2,025 रुपीस में उन्होंने 25 रुपीस डिस्काउंट दिया और 2,000 रुपीस का ही कॉस्ट आया, और उसमें जो जो चीज़ें चेक हुआ वो आपने वीडियो में देखा। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने बाइक या आपके पास जो भी व्हीकल है उसको सर्विसिंग करवाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उसका इंजन का लाइफ भी अच्छा रहता है और गाड़ी से जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने शॉर्ट करने का मतलब मकसद एक ही है, मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि आप अगर जो फ्री सर्विसिंग है, जैसे पहले तीन जो है, किसी भी आप एक मोटरसाइकिल या कोई भी आप कार खरीदेंगे तो उसमें पहला तीन सर्विसिंग मिलता है, उसमें फ्री का मतलब वही है जहाँ पे वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट या सर्विस चार्ज लगता है। इस तरह का कार में मारुति का मेरा जैसे वैगन आर या डिज़ायर में वहाँ पे 1200 रुपीस का एक सर्विस कॉस्ट लगता है अगर आप उसको पेड सर्विसिंग करवाएंगे तो। ठीक है, तो अभी जैसे ये जो तीन रहता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस का जो कॉस्ट है वो आपको नहीं लगता है। जो भी पार्ट्स आपका गाड़ी में अगर चाहिए होगा चेंज करने का ज़रूरत है वो उसका कॉस्ट ही लगता है। तो यहाँ पे मतलब थर्ड सर्विसिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अगर नेक्स्ट अब जो सर्विसिंग होगा वो होगा 20,000 किलोमीटर में या 24 मंथ। ठीक है, दो साल बाद या 20,000 जो पहले हो जाए उसमें ही सर्विस करवाना है आपको। तो कुछ इस तरह का मतलब कॉस्ट भी आया और मैंने आपसे शेयर भी कर लिया। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे इस चैनल को, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, और ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट व्हाइल यू आर राइडिंग। थैंक यू।